जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन से हम लोग पहले फेमिलियर है, लीनियर इक्वेशन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। होमोजेनियस इक्वेशन में क्या हो जाता है कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में, जैसे कॉन्स्टेंट्स होता है, अगर कॉन्स्टेंट सारा जीरो हो जाए, जैसे लिखा भी यहाँ पे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ होमोजीनियस इफ़ द कॉन्स्टेंट टर्म इज़ ज़ीरो। अगर कॉन्स्टेंट सारा जीरो हो जाता है तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में तीन तरह का सोल्यूशन होता है पॉसिबल, यूनिक इन्फिनाइट सोल्यूशन के साथ साथ नो सोल्यूशन भी होता है। पर अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो वहाँ पे नो सोल्यूशन का मामला नहीं आता, उसका कम से कम एक होमोजीनियस इक्वेशन का विल हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन उसका होगा। और इसी वजह से होमोजीनियस सिस्टम विल ऑलवेज हैव आइदर यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन। कंडीशन क्या है कि अगर डी का वैल्यू जीरो नहीं होता, आप देख पा रहे होंगे, देन द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन विल हैव यूनिक सोल्यूशन। और वो यूनिक सोल्यूशन क्या रहेगा, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वो यूनिक सोल्यूशन जितना भी वेरिएबल वहाँ पे है, एक्स वाई है, एक्स वाई जेड है, उससे ज़्यादा है, सारे वेरिएबल का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग ट्राइवल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर सबका आंसर जीरो होता है, यूनिक होता है, तो उस आंसर को ट्राइवल सोल्यूशन कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से अगर डी का वैल्यू जीरो के इक्वल आए, देन द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन विल हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और इस तरह के सोल्यूशन को नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन कंसिडर किया जाता है। हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जिस सोल्यूशन का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स नहीं होता, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो तीन चार वेरिएबल है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर एन लेकर के किया गया है। तो खैर, हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ जो लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस का है वो तीन वेरिएबल तक है मैक्सिमम, एक्स वाई जेड का, हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू जीरो और x प्लस 7y इक्वल टू जीरो, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब पहले इस बात को समझ लेते हैं कि एक होमोजीनियस इक्वेशन का नो सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद ही देखो, किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन में आप अगर वेरिएबल की जगह पे x और y की जगह पे, आप इसी इक्वेशन में देख लो, अगर सारे x के जगह पे जीरो बैठाओगे, सारे इक्वेशन में x1 x2 x3 सबको जीरो बैठाओगे, तो जीरो आंसर आएगा ना। तो जितना भी बड़ा इक्वेशन हो, किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल कितना भी हो उसमें, पर अगर उन सारे वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो आंसर ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर x और y दोनों के जगह पे जीरो बैठाओ तो आंसर जीरो आना है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक होमोजीनियस इक्वेशन का एक पॉसिबल आंसर ये होता है कि सारे वेरिएबल का वैल्यू आप जीरो कर दो। अब कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है, आपको जो मामला चेक करना है वो सिर्फ ये कि किसी भी इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो यूनिक है, मतलब एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो उसका वैल्यू जीरो होगा, सिर्फ ये सोल्यूशन है, इसके अलावा और भी आंसर हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। आप क्रेमर्स रूल आप लोगों ने किया होगा तो आपको डी के बारे में पता होगा, जिसमें आप पहले इक्वेशन में पहला वाला रो जो पहले इक्वेशन का एक्स और वाई का कोफिशियंट होता है, दूसरे में सेकेंड वाले इक्वेशन का एक्स और वाई का जो कोफिशियंट होता है वो ले लेंगे। अब वो उसको एक्सपैंड करके जो आंसर आया वो आप देख पा रहे होंगे, नॉट इक्वल टू जीरो आया। तो नॉट इक्वल टू जीरो आने का मतलब ये होता है कि जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही आंसर इसका पॉसिबल है। तो अगर एक ही आंसर पॉसिबल है किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का, तो वो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो ही होगा। किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का बाई डिफॉल्ट पहला आंसर ये होता है। तो अगर एक ही आंसर पॉसिबल है इसका मतलब ये है, और इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सोल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया आपको, प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो डी का वैल्यू हो वो जीरो आ जाए। तो हम लोग डी निकालने का ट्राई यहाँ पे करते हैं। तो डी जो बनेगा वो हो जाएगा 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 4 5 और माइनस 5, जिस तरीके से डी होता है, पहला वाला रो फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 दूसरे का, और लास्ट वाले का 4 5 माइनस 5। अब इसको एक्सपैंड करके, क्योंकि पहले ही बोल चुका है दिस इक्वेशन मस्ट हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए हालांकि आप मैट्रिक्स में भी सीखे हो तो एग्ज़ाम में अगर आए तो आप मैट्रिक्स वाला मेथड या डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो भी करो चलेगा, बट अगर स्पेसिफाई कर दे, कई बार स्पेसिफाई कर देता है यूजिंग मैट्रिसेस या यूजिंग डिटर्मिनेंट, तब फिर आपको जो तरीका है, अगर मैट्रिक्स स्पेसिफाई किया हुआ तो मैट्रिक्स वाले तरीके से, डिटर्मिनेंट स्पेसिफाई किया हुआ डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करना पड़ेगा। अदरवाइज इन जनरल आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपैंड अगर करें फर्स्ट रो से, तो 2 का जो को फैक्टर्स है 2 माइनस 1 5 और माइनस 5, 2 के बाद माइनस 1 के लिए 3 2 4 5, एंड लास्ट वाला एलिमेंट 3 के लिए 3
टू फोर एंड फाइव। इसको अगर फर्दर आप ब्रेक करो तो दिस विल बिकम माइनस टेन प्लस फाइव प्लस वन एंड फिफ्टीन माइनस एट, सॉरी माइनस वन की विल गिव अस थ्री माइनस वन फोर एंड माइनस फाइव, थ्री माइनस वन फोर एंड माइनस वन का कोफैक्टर थ्री माइनस वन फोर एंड माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टीन एंड प्लस फोर। यहाँ पे आ गया आपका फिफ्टीन माइनस एट, तो ये माइनस फाइव और टेन हो गया, ये आपका माइनस इलेवन और ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी वन विच विल गिव अस ज़ीरो। तो ज़ीरो आने का मतलब ही ये हुआ कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस विल हैव देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विल हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। मतलब ये भी बोला जा सकता है इस क्वेश्चन में, अगर ये बोलता कि प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विल हैव नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, तब भी यही सॉल्यूशन होता है। बिकॉज अगर यूनिक इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट जीरो होने पे ही जो है उसको हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसी के बेस हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अगर आप देख लें, यहाँ पे बोला कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन ऑफ। सिंस द गिवन इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो डिटर्मिनेंट है, दस डी शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑलरेडी स्पेसिफाई किया नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो डी बनेगा क्या, वन माइनस के वन, के थ्री माइनस के थ्री वन एंड माइनस वन, ना दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। वन माइनस के वन, के थ्री माइनस के एंड थ्री वन एंड माइनस वन, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, थोड़ा अगर इससे क्वेश्चन आसान हो जाए, कुछ भी एलिमेंट अगर आपका ज़ीरो बन जाता है तो वो आपका ईजी पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले वाले कॉलम में अगर आप लास्ट वाले कॉलम को ऐड कर दो, सी वन डैश इक्वल टू सी वन प्लस सी थ्री, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और सिमिलरली अगर सेकंड वाले कॉलम में भी आप थर्ड कॉलम ऐड कर दो तो एक और एलिमेंट ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो दोनों ही कॉलम में, फर्स्ट सेकंड दोनों में हम लोग थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम टू, ये आपका ज़ीरो एंड दिस अगेन विल बिकम टू। यहाँ से अगर आ जाएँ सेकेंड वाले कॉलम में भी थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो माइनस के प्लस वन विच विल मेक आउट टू वन माइनस के, ये आपका हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं थ्री माइनस के एंड दिस विल बिकम ज़ीरो, देर वोंट बी एनी चेंज इन द थर्ड कॉलम। तो ये हम लोगों का रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद और अगर हम लोग ज़ीरो लाएँ तो एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर फर्स्ट रो को थर्ड रो से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट रो को अगर थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट रो को अगर हम लोग थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वन माइनस के ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट होगा तो वन माइनस के रह जाएगा, वन माइनस वन विल गिव अस ज़ीरो। सेकेंड रो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे हम लोग। ज़ाहिर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट ज़ीरो आ गया, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ पे भी दो ज़ीरो है। तो अगर फर्स्ट कॉलम से इसको हम लोग एक्सपेंड कर लें, तो एलिमेंट आपका जो यहाँ पे दिख रहा है टू, टू का को फैक्टर सी आ जाएगा, पहला तो ज़ीरो है दूसरा भी ज़ीरो है, तो वो मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग आ जाएंगे लास्ट वाले एलिमेंट में।
टू उसका कोफैक्टर्स है, वन माइनस के ज़ीरो, थ्री माइनस के एंड माइनस के, ठीक है। इसको अगर हम लोग फर्दर एक्सपैंड करें तो ये आ गया माइनस के माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, एंड ये आपको ज़ीरो दे देगा। ये ज़ीरो बाई टू अल्टीमेटली ज़ीरो ही होना, तो बचा आपका के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ से के अगर हम लोग कॉमन ले लें तो मिलेगा के माइनस वन। तो दिस विल गिव अस आइदर के इक्वल्स टू ज़ीरो और के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो के का जो आंसर आया ज़ीरो और वन, ये दो आंसर आ गया।